सो हे गाइज, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सब ने ये गाने तो सुने होंगे, राइट? चांदी के डाल पर सोने का मोर, या फिर मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। एक और एक है, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। तो आप सोच रहे होंगे कि वाई एम आई स्टार्टिंग दिस वीडियो विद सॉन्ग्स, इन गानों का क्या मतलब है। तो इन गानों से मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि हम इंडियंस कितने सोने से, मतलब गोल्ड से ऑब्सेस्ड है, राइट? तो उसी के बारे में आज का वीडियो। आज बात करेंगे कि वाई इज गोल्ड अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। आप एक बिगनर हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो, तो क्यों गोल्ड इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट यू कैन मेक ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक स्ट्रिकन टाइम। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखना। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन ज़रूर हिट करना टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़ ऑन टाइम। सो हे गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन बॉलीवुड सॉन्ग से तो मतलब हमें हिंट मिल ही जाती है कि हम इंडियंस कितने गोल्ड से ऑब्सेस्ड है। तो हम सबको पता है कि इंडिया में गोल्ड इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू बीइंग अ प्रेशियस मेटल, राइट? इंडिया में गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट ज्वेलरी। इंडिया में गोल्ड स्टेटस भी सिंबलाइज करता है, राइट? आपके पास कितना सोना है, आप कितना सोना दे सकते हो, ले सकते हो, कितना सोना पहनते हो, सो इट ऑल्सो सिंबलाइजेज योर स्टेटस एंड ऑल्सो इट इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, राइट? तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है एंड इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे सेफ, सेफ बेट अगर आपको प्ले करनी है, तो गोल्ड इज ऑल्सो अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। एंड वाई, उसके बारे में 3 to 4 मेजर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो क्या आपको पता है कि इंडिया में लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ होर्डेड गोल्ड रिजर्व्स है, राइट? एंड उन गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यू अगर आप करंट प्राइस से अगर आप फाइंड आउट करें तो इट इज़ अबाउट 1.5 trillion US dollars। एंड आपको पता है ये गोल्ड कहाँ पे होर्ड किया गया है, कहाँ पे रखा गया है? ये गोल्ड है इंडियन हाउसहोल्ड्स में, मिडिल क्लास हो, पुअर हो, रिच हो, हम सब के हाउसहोल्ड्स में जो गोल्ड रखा गया है, वार्डरोब में हो, लॉकर्स में हो, दिस गोल्ड हैज़ अ क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ ओवर 1.5 trillion US dollars। 25,000 to 30,000 tons ऑफ गोल्ड इज जस्ट सिटिंग आइडल इन द हाउसेज ऑफ ऑल इंडियंस, राइट? तो जब भी वर्ल्ड में कोई भी इकोनॉमिकल या फिर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आती है, गोल्ड एक्ट्स एज अ ग्रेट हेज, राइट? तो उस केसेस में स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो जाएंगे, आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स क्रैश हो जाएंगे, लेकिन गोल्ड जो है वो सारे लॉसेस को ऑफसेट कर देता है, सारे लॉसेस को कवर कर जाता है। एंड दैट इज़ बिकॉज कोई भी क्राइसिस हो वर्ल्ड में, उस टाइम पे द गोल्ड प्राइसेस हैव ऑलवेज रैलीड अप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस ग्राफ में कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो अटैक हुआ था, वो टाइम पे भी गोल्ड के प्राइसेस 13% इंक्रीज हुए थे। स्टॉक मार्केट क्रैश जो हुआ था उस टाइम पे 28% इंक्रीज हुए थे। लेमैन ब्रदर्स की बैंक्रप्सी के टाइम पे 36% इंक्रीज हुए थे। एंड लेटेस्ट केस जो है, जब कोविड पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, वो टाइम पे 38% राइस था गोल्ड के प्राइसेस में। एंड ये गोल्ड प्राइसेस का बढ़ना हमेशा हर एक जियोपॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे उसको एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, सेफ बेट बनाता है, राइट? तो मूविंग टू द फर्स्ट मेजर पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो, एंड दैट इज गोल्ड इज अ टॉप इन्वेस्टमेंट टूल टू बीट इन्फ्लेशन। तो अब ये क्यों है, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोल्ड इज़ अ गुड हेज, राइट? जब भी मतलब करेंसी का डीबेसमेंट होता है, इन्फ्लेशन होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, क्योंकि जब लास्ट ईयर मार्केट्स क्रैश हुए थे, वो टाइम पे भी गोल्ड बुल रन पे था, गोल्ड वाज जस्ट रैलिंग अप, राइट? एंड एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट करते हैं कि ये बुल रन कंटिन्यूड रहेगा। हालांकि ये जो 56,000 रुपीज का जो पीक टच किया था पर 10 ग्राम गोल्ड ने, वो शायद से अभी ना हो इतनी जल्दी, बट स्टिल द प्राइस ऑफ द गोल्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, राइट? अब गोल्ड के प्राइसेस काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ग्लोबल ट्रेड हो, दूसरे मेटल्स का, गोल्ड का ग्लोबल ट्रेड हो, या फिर इन्फ्लेशन हो, या फिर कोई जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो, या फिर ये या फिर कोविड जैसा कोई अगर पैंडेमिक हो। एंड ये अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टेंसेस के टाइम पे आप अगर देखोगे तो गोल्ड हैज ऑलवेज रिमेन्ड स्टेबल एंड इट हैज आउट परफॉर्म्ड अदर एसेट्स, राइट? अब्सॉर्बिंग ऑल द इकोनॉमिक शॉक्स, राइट? एंड क्यों होता है कि हमेशा इन्फ्लेशन के टाइम पे द प्राइसेस ऑफ द गोल्ड एक्चुअली इट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली? बिकॉज इन्फ्लेशन के टाइम पे द वैल्यू ऑफ द मनी इज इरोडेड, राइट? एंड इट ऑल्सो लोअर्स द परचेसिंग पावर ऑफ द डॉलर। एंड देयरफॉर क्या होता है कि अगर आप इन्फ्लेशन के टाइम पे अगर गोल्ड में आप इन्वेस्ट करोगे तो उसके तो प्राइजेस बढ़ेंगे ही, एंड देयरफॉर इट एक्ट्स एज अ ग्रेट हेज ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, राइट? इट एक्ट्स एज अ ग्रेट हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन।
एंड नाउ द सेकेंड मेजर पॉइंट इज इजी लिक्विडिटी. मुझे नहीं लगता और कोई बाहर इन्वेस्टमेंट है और कोई बाहर एसेट्स है जो आप परचेस करके इतने लिक्विड होंगे जितना गोल्ड लिक्विड है, राइट. गोल्ड हैज बीन हाईली प्रेफरेबल इन्वेस्टमेंट टूल बिकॉज जस्ट बिकॉज इट इज हाईली लिक्विड, राइट. तो अगर आपको कभी इमरजेंसी में इफ यू आर इन नीड्स ऑफ फंड्स तो आप हमेशा गोल्ड को बेच सकते हो एंड यू कैन गेट द कैश इन द रिटर्न. एंड कोई मैटर नहीं करता कि आप गोल्ड को कहाँ बेच रहे हो, कौन से फॉर्म में बेच रहे हो. अगर आपके पास ज्वेलरी है, अगर आपके पास गोल्ड कॉइन्स है, गोल्ड बार है, यू कैन सेल ईच एंड एवरीथिंग इन द मार्केट एनी टाइम एंड यू विल हैव द बायर्स एट योर डिस्पोजल, राइट. एंड आपको हमेशा गोल्ड के रिटर्न में ज़रूर कैश मिलेगा. हाँ, ये डिपेंड करता है कि कितना रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है उस टाइम पे जो गोल्ड के प्राइसेस है उनके ऊपर. लेकिन जहाँ तक इमरजेंसी में फंड्स की बात है, आई थिंक गोल्ड एक्ट्स एज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट कुशन. एंड अगर आपको फिजिकल गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट करना है तो यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन गोल्ड ETF. नाउ ETF इज गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. ये एक टाइप ऑफ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, तो आप इनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको डायरेक्टली गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट करना है, इफ यू डोंट वांट टू होल्ड अ लॉट ऑफ फिजिकल गोल्ड्स, क्योंकि इसके अंदर ना थेफ्ट है, ना क्वालिटी लॉस है, तो कुछ नहीं है. तो इफ यू वांट, यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड ETFs. एंड अभी तो डिजिटल गोल्ड परचेस करना भी काफी सिंपल हो गया. यू कैन परचेस डिजिटल गोल्ड फ्रॉम मल्टीपल फिनटेक प्लेटफॉर्म्स. आप गूगल पे से कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो. तो यहां पे जब आप ETF बाय करते हो, गोल्ड ETF बाय करते हो या फिर डिजिटल गोल्ड बाय करते हो, तो उस समय आपको गोल्ड भी मिल जाता है एंड आपको एक स्टॉक ट्रेडिंग वाली फील भी आ जाती है, राइट. So you can treat them as a stock as well, and also you have gold investments. Now the third and the next major point is that गोल्ड इज अ टेंजिबल सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, राइट. जो भी अभी करंट पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि गोल्ड से ज्यादा कोई ट्रांसपेरेंट या फिर टेंजिबल कोई सोर्स है वेल्थ क्रिएशन का, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हो. बिकॉज आई थिंक इस पैंडेमिक में, इस क्राइसिस में गोल्ड हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर एसेट क्लास, राइट. एंड इन दीज टू ईयर्स ऑफ पैंडेमिक, जिसके अंदर हमने दो पैंडेमिक के वेव्स भी देखे थे, द गोल्ड प्राइसेस हैव रिमेंड क्वाइट स्टेबल. दे हैव ऑल्सो रीच्ड द पीक, राइट. एंड जिसकी वजह से काफी सारे न्यू इन्वेस्टर्स have been interested in investing in gold. तो काफी सारे नए investors भी jump in कर रहे हैं. Now अभी भी लोग कह रहे हैं कि third wave आ सकती है because there's a new variant called as Omicron. तो शायद से इसके वजह से भी third wave आ सकती है. And अभी भी काफी सारी uncertainty है market में. तो जब ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी हील हो रही है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना, आई थिंक इट इज़ अ सेफ पाथ टू क्रिएट वेल्थ. एंड ऑल्सो इट इज अ सेफ पाथ टू कीप योर इन्वेस्टमेंट्स वेरी सेफ. एंड ऑल्सो गोल्ड को जो ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, लुक्रेटिव बनाता है, इज आई थिंक द ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रेडिंग गोल्ड. आप कोई भी शॉप में जाके गोल्ड एक्सचेंज करके कैश ले सकते हो, बैंक में जाके लोन ले सकते हो. अगर आपको डिजिटल गोल्ड ट्रेड करना है, गोल्ड ETFs ट्रेड करना है, आप ट्रेड कर सकते हो. एंड ये सारी ट्रांसपेरेंसी दूसरे एसेट क्लासेस में नहीं है, जैसे कि रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसमें ईजी लिक्विडिटी नहीं है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है. तो आई फील ट्रांसपेरेंसी एंड ईजी टू बाय एंड सेल प्रोसेस एक चीज़ है जो गोल्ड को काफ़ी लुक्रेटिव एंड काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है. क्योंकि आप अगर देखोगे कि इंडियन हाउस होल्ड्स में एक फिजिकल गोल्ड घर में होना, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, बट इट इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, राइट. तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि इंडिया में गोल्ड सिंबलाइजेज योर स्टेटस, इट सिंबलाइजेज ज्वेलरी, इट सिंबलाइजेज योर हेरिटेज, राइट. नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट मेजर पॉइंट ऑफ टूडेज वीडियो इज दैट आई थिंक गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर्स. तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अगर आपको सेफ बनाना है, स्टेबिलाइज करना है, सो इन्वेस्टिंग इन गोल्ड कैन एक्ट एज अ ग्रेट स्टेबिलाइजिंग एलिमेंट, राइट. क्योंकि अगर आप देखोगे तो गोल्ड इतना स्टेबल इसके लिए क्योंकि उसका कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन, कोरिलेशन ज़्यादा नहीं है दूसरे मेजर एसेट क्लासेस से. एंड जिसकी वजह से जब भी कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक या माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं या फिर क्राइसिस आती है, तब गोल्ड के प्राइसेस ज़्यादातर स्टेबल रहते हैं, उनके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता. एंड उसके वजह से जब आप बहुत सारे वोलेटाइल एसेट्स में आप जब भी इन्वेस्ट करते हो, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो उस समय उसके लॉसेस को ऑफसेट करने के लिए या बैलेंस करने के लिए एक स्टेबिलाइजिंग एलिमेंट कैन बी इन्वेस्टिंग इन गोल्ड. So it is always wise to add gold to your portfolio and so that it protects you from all the risks, right? And current economic situation mein, I think jahan pe itne sare multiple market risks chal rahe hai, economic downturn hai, geopolitical crisis hai, economic crisis hai, toh wo time pe I think gold is certainly the best and the safe way ahead. So guys, this was the whole video about why should we invest in gold, why should we invest in gold and why investment in gold is currently a great safe bet. And we all know ki gold ke prices kabhi na kabhi toh it is
going to increase like hell, right? Because gold at last is a precious metal and it has a limited availability on this planet Earth. तो आप जैसे जैसे खरीदोगे, जैसे जैसे mine होके वो बाहर आएगा, वैसे वैसे the reserves of gold in this planet Earth are going to reduce and at one time there would be scarcity of this precious metal. And जब वो scarcity सच में create होगी, that time the gold prices are going to boom, right? And therefore gold is something that is definitely a great investment for the future. तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आपको सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट समझ में आए होंगे एंड अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर आप डिजिटल गोल्ड से बाइंग स्टार्ट कर सकते हो. सो यू कैन बाय गोल्ड फॉर एज लेस एज 5 rupees, 10 rupees, 15 rupees. डिजिटल गोल्ड तो आप कितना भी कम बाय कर सकते हो, गोल्ड ETFs में आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड अगर आपको चाहिए तो फिर आप फिजिकल गोल्ड भी घर में रख सकते हो. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इस चैनल पे मैं ऐसे ही काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट, करियर, स्टार्टअप, बिजनेस के ऊपर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ. And if you're new to this channel, then you can go back to my channel and check out the other videos as well. So guys, if you like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. So guys, I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.